आपका हमारे चैनल पर स्वागत है और हम आपको बताएंगे विज्ञान के उपकरणों के आविष्कार और उनके आविष्कारक के बारे में। और ये जो हम आपको बता रहे हैं ये आपको एग्ज़ाम्स में काम आएंगे, आपको आईएएस के एग्ज़ाम्स में काम आएंगे, रेलवे के एग्ज़ाम्स में काम आएंगे और ये बिल्कुल जनरल नॉलेज की तरह है। तो मैं हर वीडियो में एक 15 के आसपास मैं आविष्कार और आविष्कारक के बारे में बताऊँगा, क्योंकि एक साथ अगर मैं इतना लंबा बताया तो आपके लिए वीडियो बोरिंग हो जाएगा। तो आपने आर्क लैंप का नाम सुना होगा, आर्क लैंप का आविष्कार किसने किया है? आविष्कारक का नाम है डेवी ने, डेवी ने। फिर है गाइजर मूलर काउंटर का आविष्कार किसने किया? गाइजर मूलर काउंटर्स, इसका आविष्कार किया हैंस गीगर ने। फिर गैल्वेनोमीटर का आविष्कार किसने किया? गैल्वेनोमीटर्स, इसका आविष्कार किया है एम्पियर ने। फाउंटेन पेन आपने देखा ही होगा, फाउंटेन पेन, फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया है? आविष्कारक का नाम है एल ई वाटरमैन ने, एल ई वाटरमैन। फिर फिल्म, ध्वनि वाली फिल्म जिसमें हम साउंड सुनते हैं, उसका आविष्कार किसने किया? उसका आविष्कार किया है ली डी फॉरेस्ट। फिर फिल्म वॉक चलचित्र का आविष्कार किसने किया? चलने वाले चलचित्र, इसका आविष्कार किया जे मसौली और एच बागट ने। फोटोमीटर का नाम आपने सुना होगा, फोटोमीटर का आविष्कार किसने किया? नाम है एडवर्ड और चार्ल्स पिकिंग। फिर फिल्म मूल चलचित्र का आविष्कार किसने किया? नाम है लुई लील प्रिंस ने, लुई लील प्रिंस। फिर एवोल्यूशन थ्योरी जिसे विकासवाद कहते हैं, एवोल्यूशन थ्योरी का विकास आविष्कार किसने किया? नाम है चार्ल्स डार्विन, चार्ल्स डार्विन ने। दसवां प्रश्न है विद्युत चुंबक, मतलब जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट का आविष्कार किसने किया? नाम है डब्ल्यू सटजर्न ने, डब्ल्यू सटजर्न। तो ये मैंने आपको 10 बताए आविष्कार और आविष्कारक के नाम। तो धन्यवाद, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।